दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन जिसको लेके आप काफ़ी वेट कर रहे थे। आप वेट कर रहे थे कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड बैक पेपर जो फॉर्म भराई गई थी उसका पेपर कब होगा। तो दोस्तों आपके अवध यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट जारी कर दिया है। जिन बच्चों ने बैक पेपर का फॉर्म भरा हो, यानी कि जिनका पेपर 2023 में हुआ था और बैक लग गया हो, एक विषय में फेल हो, या फिर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो और आप उसको इम्प्रूव कराना चाहते हो, तो आपसे एक फॉर्म भराई गई थी। उसी फॉर्म के आधार पर आपकी परीक्षा डेट जारी कर दी गई है और 30 मार्च से पेपर होना है। आइए ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको चेक करते हैं। तो अवध यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको नीचे आएंगे तो स्टूडेंट कॉर्नर में आपको एग्जामिनेशन स्कीम का ये आपको बॉक्स मिलेगा। तो एग्जामिनेशन स्कीम पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे बीएड और एमएड दोनों के नोटिफिकेशन जारी किए गए, यानी कि एमएड का भी अगर आपका बैक पेपर है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष 2023 बैक पेपर परीक्षा कार्यक्रम एग्जामिनेशन स्कीम हैज़ बीन रिलीज्ड। क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड के बॉक्स पे, और डाउनलोड के बॉक्स पे आप जैसे ही आते हैं आप देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार से आपका डेट शीट जारी कर दिया गया। वन बाय वन देख लेते हैं टाइमिंग क्या होगी। एग्ज़ाम सेंटर तो बहुत कॉमन है दोस्तों, आपके बैक पेपर का एग्ज़ाम सेंटर अवध यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होता है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं इसी बहाने आप कैंपस घूमने आ जाइएगा। ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा बैक पेपर कब है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक काम ज़रा आप कर दीजिएगा, अगर आपने फॉर्म भरा है किस सब्जेक्ट का बैक पेपर देने जा रहे हैं कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा, ताकि आपके यार दोस्त और भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात हो जाएगी। तो कुछ पर देख सकते हैं कि संबंधित को सब क्या किया जाता है, भाई सबको सूचित किया जाता है कि बीएड एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2023 बैक पेपर परीक्षा की दिनांक 30/3/2024 यानी 30 मार्च को निर्धारित की गई है। निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित समापन होगा, मतलब कम कार्य का मतलब 30 मार्च को आपका पेपर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, पहला आपका फर्स्ट शिफ्ट में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप फर्स्ट ईयर का बैक पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके कॉमन पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट और तीसरा आईसीटी, तो अगर इनमें से किसी एक का बैक पेपर दे रहे हैं तो आप एक काम करिएगा मॉर्निंग 9:30 तक पहुंच जाइएगा, 9:30 तक पहुंच जाइएगा क्योंकि 10 बजे से आपका पेपर होगा। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैक पेपर दे रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, होम साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथ, फिजिकल साइंस और कोई उर्दू या बायोलॉजिकल साइंस, इस लैंग्वेज में दे रहे हैं आप, तो आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर है, आप इवनिंग शिफ्ट में जाइएगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का दोस्तों तीनों सब्जेक्ट, आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता और तीन ही पेपर होता है, तो अगर इन तीन में से किसी एक का बैक पेपर आपको देना है तो आपका इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में, जी हाँ सेकेंड ईयर का कब है, मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 बजे तक पेपर होगा, 9:30 बजे तक आपको पहुँच जाना है। चूँकि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर मेंशन नहीं किया गया है तो एग्ज़ाम से पहले 30 मार्च से पहले दोस्तों 28 और 29 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर सीरियसली एग्ज़ाम सेंटर कॉमन रहता है, यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आपका एग्ज़ाम सेंटर रहता है। तो कुछ इस अरे लाइट कर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, कौन से सब्जेक्ट को देने जा रहे हैं दीजिए, जानकारी अच्छी हो लाइक करें, नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब करके चैनल जुड़ जाएं, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अन्य लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।